शौर्य अनोखे की कहानी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी विनीत के साथ, जो कॉलेज में बबली के साथ पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर वॉचमैन इन दोनों को कॉलेज के अंदर जाने की परमिशन नहीं देता। बबली वॉचमैन से खूब सारा झगड़ा करती है, लेकिन फिर भी वॉचमैन इन्हें अंदर जाने नहीं देता। तभी वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन विनीत उसे अपने साथ वहाँ से निकल कर ले जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य आता है अपने कॉलेज के कैंपस में, तभी उसे सुनाई देता है ये सब लड़ाई झगड़ा, जहां पर वॉचमैन और अनोखी की बहन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और उसे तब पता चलता है कि अनोखी कहीं मिसिंग है। शौर्य वो सारी चीज़ें रिकॉल करता है कि कैसे उसका बैग डस्टबिन में मिला था और कैसे उसके फ़ोन पर भी किसी ने डस्टबिन में ही डाल करके उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी। तभी आप देखेंगे कि रमा कॉल करती है बबली को और पूछती है कि अनोखी अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। बबली झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रमा को यहाँ डाउट होता है। बबली कहती है कि अनोखी मिसिंग है और रमा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। तभी वो कहती है कि मैं चेक करती हूँ शांत सबरवाल के साथ, और वो आस्था मैम को कॉल करती है। अनोखी यहाँ पर विनीत के बारे में बात करती हुई याद करती है कि सबरवाल मेंशन में शांत सर से मिलना चाहिए, और तभी हो सकता है अनोखी का कुछ पता चल पाए। शौर्य यहाँ पर अनोखी के क्लास की तरफ दौड़ता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देवी इनवाइट करती है अपनी फ्रेंड और उसकी बेटी को, और आलोक उनको वेलकम करता है और हर कोई मिलने की शौर्य से तैयारी करता है। तभी वहाँ पर पूछते हैं कि शौर्य और देवी आजकल दोनों ही बिजी रहते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगे शान को। तभी वहाँ पे कॉल आता है, देवी अंदर जाती है और उसे डांटती है और कहती है कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन तुमने हमें क्यों नहीं दी जिस तरीके से ये लोग घर पर आने वाले हैं। तभी वहाँ पर देवी और शान का आर्ग्यूमेंट होता है। शान कहता है कि मैं आप सबको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं कि शौर्य यहाँ पर जिस तरीके से भी आएगा, लेकिन आपने उसको ये ना बता कर के बहुत बड़ी गलती करी है, और ये यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि शौर्य शान का फ़ोन पड़ा होता है और जो मिल जाता है देवी को, और उसके फ़ोन पर रिंग करता है आस्था का कॉल, और वो जानकर कि इस फ़ोन को कट कर देती है। शौर्य को जब पता चलता है कि अनोखी का नाम और अनोखी के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर हर कोई पैनिक कर रहा है, तो वो और ज़्यादा स्पीडली उसे सर्च करता है और उसका पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ देखेंगे आप कि आलोक गायत्री और कंचन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, और तभी उनके घर की बेल बजती है। आलोक दरवाज़ा खोलता है, आलोक देखता है कि सामने विनीत और बबली खड़े हैं, जो अपने आप को अनोखी की फैमिली बताते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें शांत सबरवाल सर से मिलना है, अनोखी अब तक घर नहीं पहुँची है। देवी यहाँ पर उनके साथ बहस करती है और कहती है तो आप पुलिस को बुलाइए ना, आप यहाँ क्यों आए हैं। तभी यहाँ पर हर कोई क्लियर करता है कि देखिए ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अनोखी अगर घर नहीं पहुँची है तो आप जाइए घर और पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कीजिए। अनोखी जिस तरीके से शौर्य की आवाज़ सुनती है कि कोई उसे ढूंढ रहा है, वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। शौर्य उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ज़रूर अंदर है अनोखी। शौर्य कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ, मैं लॉक दरवाज़ा है उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य की बहनें आती हैं और वो कहती हैं कि अनोखी को तो हमने क्लासरूम से जाते हुए खुद देखा था। कंचन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है कि उन्होंने रूम में लॉक कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है ये बहुत गलत है, लेकिन वो फिर भी किसी को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देवी यहाँ पर अनोखी को सीन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा सुनाती है, और वो कहती है कि वो लड़की तो पहले दिन से ही हमारी फैमिली और हमारे कॉलेज में तमाशा करने आई है। तभी कंचन गायत्री को अंदर बुलाती और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। गायत्री कहती है कि शान का फ़ोन बज रहा था, और कंचन से कहती है कि शान को देकर के आओ, शान कॉल उठाता है। तब वहाँ पर शौर्य की बहन यहाँ पर अनोखी और बबली को धमकी देती है कि हमने तुम्हारे सिस्टर का कोई ठेका नहीं लिया है और आपके सिस्टर नहीं मिल रही है, तो पुलिस के पास जाकर के वहाँ पर इंक्वायरी करो। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देवी भी उसे वापस से वॉर्न करती है और कहती है कि तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो, हम तुम्हारे गेस्ट हैं, तुम्हारे घर पर आए हैं। तभी वहाँ पर शान आ जाता है और कहता है कि एक सेकेंड आप सब अंदर आइए। आस्था यहाँ पर कॉल करती है शान को, और वो भी उनके साथ आने के लिए बात कहती है। शौर्य की बहनें यहाँ पर उन दोनों सबको स्टॉप
करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शान जो होता है वो चुपचाप खड़े होकर बबली की बातें सुनता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य दरवाज़ा खोलता है और अनोखी दौड़ करके बाहर आती है और शौर्य को पकड़ लेती है और वो उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। शौर्य भी अनोखे की सिचुएशन समझता है और उसे कंफर्ट देने के लिए अपनी बाहें उसके लिए सपोर्ट में कर देता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गेस्ट यहाँ पर जाने वाले होंगे, लेकिन तेज यहाँ कन्विंस करता है उन्हें और कहता है कि जब तक यहाँ पर शौर्य नहीं आता आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। शान यहाँ पर बबली और विनीत को छोड़ने की बात कहता है और कहता है कि हम सब यहाँ से चलते हैं और अनोखे को ढूंढते हैं। तभी शौर्य के सिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है अनोखी क्लास में हो ही ना और उसने हमें झूठ बोल दिया और वो हमें झूठे केस में फंसा दे और वो सबके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनोखी अपनी बाहें हटाती है शौर्य के ऊपर से और यहाँ पर शौर्य उसे समझते हुए उसे बैठने को कहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इसी बीच अनोखी को सब कुछ याद आता है कि उसके साथ सारे स्टूडेंट्स ने क्या कुछ किया है और यहाँ पर शौर्य अनोखी को पानी पिलाता है और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि शौर्य को पता चल जाएगा कि अनोखी के साथ क्या हुआ है, उसकी कुछ लोगों ने रैगिंग की है और शौर्य कहेगा कि तुम्हें कल उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी होगी और उनके नाम बताने होंगे। और यहाँ पर कल रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनोखी जाएगी अपनी क्लास में और रैगिंग करने वाले स्टूडेंट के ख़िलाफ़ कंप्लेन करेगी और क्लास में जाकर के एक एक को पहचानवा देगी कि उन्होंने उसे मॉलस किया है, उनकी रैगिंग की है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि पहले ही शौर्य की बहनों ने उसके कान भर दिए हैं कि अनोखी उनसे बदला लेना चाहती है और उनके झूठे केस में नाम ले सकती है। अब शौर्य किसकी बात पर करेगा यकीन और किसका देगा साथ, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग। Yeah.